बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से पीड़ित रोगियों की संख्या 7 तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि 2 वर्षीय एक बच्ची की स्वाइन फ्लू की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। बिलासपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीके चौधरी ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान बताया कि जिला बिलासपुर के घुमारमी क्षेत्र से संबंधित 2 स्वाइन फ्लू से पीड़ित रोगी IGMC में उपचाराधीन है। जिला बिलासपुर में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चौधरी ने लोगों को स्वाइन फ्लू से बचाव करने के लिए एहतियात बरतने के साथ साथ सतर्क रहने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी सावधानी बरतने से स्वाइन फ्लू से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू से बचाव व उपचार दोनों ही संभव है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू एक विशेष प्रकार के H1N1 वायरस से ग्रस्त व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है। उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू के मुख्य लक्षण बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टी आदि है। उन्होंने कहा कि विशेष तौर पर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, शुगर एवं दमे के मरीजों में स्वाइन फ्लू के होने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि समझदारी और सहयोग से काम लेने पर इससे कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खांसते तथा छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को रुमाल से ढकें, अपने नाक, आंख तथा मुंह को पहुंचने से पहले अथवा पश्चात अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। H1N1 के लक्षण जैसे खांसी, बहती नाक, छींक एवं बुखार से प्रभावित व्यक्ति कम से कम 3 फीट की दूरी बनाए रखें, अच्छी नींद लें, शारीरिक रूप से सक्रिय रहें तथा तनाव से बचें, स्वच्छ तथा अधिक मात्रा में पानी पिएं तथा पोषण युक्त भोजन का सेवन करें तथा खुली हवा में सांस लें और योग क्रिया करें। उन्होंने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं, गले ना लगें।